नमस्कार दोस्तों, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पुलिस की वर्दी में एक शख्स फोन पर हमें धमकी नहीं देता, लेकिन क्या आपको पता है कि वो पुलिस वाला असली है या नकली? तो कैसे करें उसकी पहचान, चलिए जानते हैं। आज पुलिस वाले के नाम से कई स्कैमर्स कॉल कर रहे हैं और आप ड्राइंग रूम में बैठे हों या ऑफिस में, अचानक आपके व्हाट्सएप पर कोई IG, SSP, DSP या इंस्पेक्टर के नाम से कॉल करता है, आपके बेटे के या किसी सगे संबंधी को लेकर गलत सूचना देता है, आपको लेकर भी कई बार यह बताया जाता है कि आपके खिलाफ अमुक थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है और आप घबरा जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में जब अवैध तरीके से एक रुपया किसी का नहीं लिया तो आपकी सीधी सादी ज़िंदगी के लिए ये घबराहट, ये कॉल परेशान कर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कॉल की पहचान कैसे करें और इस तरह के कॉल करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि स्कैमर्स होते हैं। लेकिन इसका पता आपको तुरंत नहीं चलेगा, बल्कि छानबीन के बाद या कुछ ऐप्स की मदद से कुछ समय बाद पता चलता है कि कॉल करने वाला कोई पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि स्कैमर था और उसने व्हाट्सएप पर फर्जी ID बनाकर आपको कॉल किया था। ठगी के बाद जब आप साइबर सेल में शिकायत करते हैं तब तक पैसे तो चले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें स्कैमर एक पिता को उनके बेटे द्वारा किए गए अपराध की गलत सूचना देता है। देखिए पूरी वीडियो ताकि इस तरह की फर्जी कॉल अगर आपके पास आती है तो हो जाए सावधान। हेलो हेलो, नरेश बात कर रहे हो? हाँ बोलो सर। पुलिस लाइन से राहुल बात कर रहा हूँ, ये आयुष कौन है? कहाँ से बोल रहे हो? आयुष कौन है? कहाँ से बोल रहे हो आप? सर पुलिस लाइन से हूँ ना, आयुष कौन है? हाँ बोलिए ना। हे मेरा बेटा पर मेरा बाप है, बताएं। सर आपका बेटा है? आपका बेटा सर इन टाइम कहाँ पर है, किधर भेजा था आपने? अभी तो बाहर है, बताएं। कहाँ पर? मुंबई। हेलो, मुंबई। तो देखिए सर, आपको कुछ मालूम नहीं है आपके बेटे ने क्या किया है? नहीं, क्या हो गया? देखिए सर, आपका बेटा और आपके बेटे के 3 फ्रेंड लड़कों ने मिलके ना एक लड़की का रेप किया है। अच्छा? मामला सीरियस है, लड़की हॉस्पिटल में है, लड़की का डेथ होने वाला है, आपका बेटा इस समय अरेस्ट हो चुका है। अच्छा, कौन से शहर में? सर देखिए आपका, बोलिए कौन से शहर में? देखिए सर मैं मुंबई पुलिस लाइन से बात कर रहा हूँ, आपका बेटा बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड लड़कों ने मुझे फंसवाया है, ये मेरे फादर का नंबर है, मेरे फादर को कॉल करें, इसीलिए सर आपको कॉल कर रहे हैं। अभी तक इसके ऊपर हमने कोई भी FIR नहीं दिया है, तो अभी सर इसका क्या करना है, इसको चलती कॉल में क्लियर करवा रहे हैं या इसके ऊपर FIR देके इसको मीडिया पे दे दें? मीडिया पे देंगे आप? देखिए सर अभी इसके ऊपर FIR देना या इसको क्लियर करवा रहे हैं, क्या करता है? तो अभी आपके साथ है वो? जी बिल्कुल सर, हमारी कस्टडी में है, इसको साइड पे रखा हुआ है। बात कराइए मेरी। बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल सर बात करवा देता हूँ, काफी ज्यादा परेशान है, यहाँ पे घबराया हुआ है। अरे पांडे, इस लड़के को इधर लेके आओ, आयुष को, ये आयुष नाम का लड़का जो साइड पे रखा है ना, इसको इधर लेके आओ। देखिए सर अभी जो है ना, आपके लड़के को बुलवा रहा हूँ, उनसे बात करें। हाँ, काफी ज्यादा आपका बेटा यहाँ पे रो रहा है। हाँ बेटा इधर आओ ना, रोए मत, आप इधर आओ, ये बात करो। हेलो हेलो, हाँ बेटा बात करो, ये बात करो अपने बेटे से। क्या हो गया बेटा? इसको साइड पे कर दो, साइड पे कर दो इसको अभी। हेलो, देखिए सर आपका लड़का जो है ना काफी ज्यादा रो रहा है यहाँ पे। नहीं तो बात तो कराओ ना मेरी, बात तो करूँ उससे। अरे सर यहाँ पे बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, ये शोर डाल रहा है, अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो हम इसको क्या जवाब देंगे? क्या यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, इतना अलाउ नहीं होता है। अच्छा देखिए सर, इसके ऊपर अगर FIR हो गया तो आपका बेटा किसी काम के, किसी जॉब के लायक नहीं रहेगा, आपके बेटे का करियर खराब हो जाएगा, आप कोर्ट कचहरी में जाओगे, 2-4 लाख वहां पे लगाओगे, हो सकता है कि IC आपके बेटे के ऊपर 5-6 साल का सजा कर सकता है, 12 लाख इसके ऊपर फाइन लगा सकता है। अच्छा,
तो अभी सर आप कुछ सेवा कर सकते हैं तो आपके लड़के को यहाँ से छोड़ देते हैं। क्या चाह रहे हैं आप? देखिए सर, हम चार अफिसर हैं, तीन मेरे कॉन्स्टेबल हैं जो मेरे साथ इस केस में काम कर रहे हैं। तो आपको सर मैं एक जो है ना कॉन्स्टेबल का फोन पे गूगल पे नंबर दे रहा हूँ, उसके ऊपर हमें चाय पानी खर्चा पानी भिजवा दें। आपके बच्चे को मैं यहाँ पे क्लियर करके छुड़वा देता हूँ, किसी थाने में कोई रिकॉर्ड कोई FIR नहीं आने दूंगा। अच्छा, तो अभी सर मैं वैसे अभी कौन से थाने में हो? सर देखिए अभी थाने में नहीं लेके गए हैं ना, अभी चौकी पे लेके खड़े हैं। कौन से चौकी पे हो? कौन से एरिया की चौकी पे हो? अरे कौन से एरिया की चौकी पे हो? अरे इसका लोकेशन अभी तक ना ही हमने मीडिया को दिया ना ही IG को दिया, आपको कैसे दे दें? अच्छा, आप अपने बच्चे को छुड़वाना चाह रहे हो या आप सवाल जवाब करेंगे? अपन कौन से, आप कौन से थाने के हो? आप अभी क्या करेंगे मुझे ये बताओ। नहीं मुझे बताओ तो सही ना, तो मेरे को वैसे भी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप छुड़वाना ही नहीं चाह रहे आपके बेटे की। अच्छा अच्छा, क्या करना है छुड़वाने के लिए वो बताओ। अरे आपको बोल रहा हूँ ना, खर्चा पानी चाय पानी लगा दे, क्यों अपने बेटे का करियर खराब कर रहे हो सर आप? क्या भेजना है? ये चार अफिसर है, आप कितना भेजेंगे आप खुद देख ले। आप बता दो सर, आप गूगल पे फोन पे क्या यूज करते हैं? सब है मेरे पास। तो आपको मैं फोन पे नंबर दे रहा हूँ, अपना गूगल पे फोन पे ऑन करें। नहीं आप वो तो बताएं कितना भेजना है, तो मैं वैसी व्यवस्था तो देखूं। चार अफिसर है ना, एक अफिसर का 10,000 है, आपने 40,000 देना है बस। ये 40,000 से आपके बच्चे को क्लियर कर देंगे। अरे यार 12 लाख के 40,000 समझ रहे हो आप? अरे कम से कम 4 लाख ले। तो देखा आपने किस तरह से फर्जी कॉल करके वो पिता को डरा रहा है। और ऐसा नहीं कि ये अपनी तरह की पहली कॉल है, बल्कि हाल ही में इसी तरह की कॉल को लेकर हैदराबाद के कोचिंग संचालक रितेश श्रीवास्तव तो परेशान हो गए थे। और जब उन्होंने क्लिक इंडिया को इसकी जानकारी दी तो क्लिक इंडिया ने बिना देर किए उनके मामले को गंभीरता से लिया। और चूंकि ये कॉल दिल्ली पुलिस के नाम से की गई थी, इसलिए हमने दिल्ली पुलिस के ISBT थाने से इस बारे में जानकारी मांगी। लेकिन पता चला कि उस नाम का कोई ऑफिसर उस थाने में था ही नहीं, जिसका नाम लेकर स्कैमर ने रितेश को धमकी दिया था। और ऐसी शिकायत पूरे देश में हर दिन सुनने या देखने को मिलती है। कुछ सीधे साधे लोग पैनिक होकर पैसे भी उस स्कैमर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब बाद में पता चलता है कि वे बुरे फंस गए तो अफसोस करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होता। अब सवाल है कि आखिर क्या करें कि इस तरह की कॉल से डरे नहीं और न ही आपकी गाढ़ी कमाई यूं ही लूट जाए। अगर आपके पास इस तरह की कॉल आती है तो इसके लिए आप ट्रूकॉलर ऐप से उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फोन पे या गूगल पे और पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप पर हैं तो उन ऐप्स पर जाकर कॉल किए गए नंबर को चेक कर सकते हैं। इसके बाद उस कॉलर का असली नाम आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रहे कि नाम का पता तभी चलेगा जब वो नंबर इन UPI ऐप पर रजिस्टर्ड होगा। और अगर व्हाट्सएप पर नंबर नहीं दिख रहा तो साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत यथाशीघ्र दर्ज करनी चाहिए। कोशिश करें विक्टिम की उसके पास क्राइम की पूरी डिटेल हो, ताकि कंप्लेन करने में उसे आसानी हो। अगर कोई इस तरह से कॉल करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग सहित अन्य डिटेल के साथ क्राइम संबंधी जो भी सबूत आपके पास हो उसे वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जरूर दें। कोशिश करें कि क्राइम डिटेल हार्ड और सॉफ्ट दोनों फॉर्मेट में हो। मान लीजिए आपके साथ हैकिंग ही हुई हो तो संबंधित वेब पेज का प्रिंट और उसकी प्रिंट स्क्रीन कॉपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जरूर दें। अगर कभी आपने अपना ईमेल, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया का एक्सेस किसी अपने करीबी या दोस्त को भी दिया हो तो उसके बारे में भी जानकारी जरूर उस ऑफिसर को दें। सस्पेक्ट कोई भी हो सकता है और पुलिसिया जांच बेशक और सुबह से ही शुरू होती है, तो जरूरी है कि जो भी आपके शक के दायरे में हो उसकी जानकारी जरूर उस अधिकारी को सौंपें। शिकायत होने के बाद आप क्राइम नंबर जरूर अधिकारी से मांग लें और उसे मोबाइल या कहीं और नोट कर लें, ताकि जब भी आपको अपडेट लेना हो तो उस नंबर को बताकर अपडेट लेते रहें। चूंकि साइबर क्राइम का क्राइम एरिया ग्लोबल होता है, इसलिए इसकी शिकायत कहीं भी दर्ज की जा सकती है। मतलब कि ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहीं भी रहते हो और क्राइम कहीं और भी क्यों ना हुआ हो, आप रिपोर्ट कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं। आप जिले की साइबर सेल
या फिर किसी भी थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप साइबर क्राइम पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट cybercrime.gov.in पर साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यूपी में महिलाएं 1090 या फिर अन्य कोई भी डायल 100 पर भी इसकी शिकायत कर सकता है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल आप चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ इस तरह के स्कैमर्स कॉल कर रहे हैं, तो घबराएं नहीं, पेशेंस रखें और बिना किसी पैसे ट्रांसफर या कुछ इस तरह के लेन देन के आप उसकी शिकायत, उस स्कैमर की शिकायत क्राइम ब्रांच में करें या फिर साइबर क्राइम ब्रांच में करें। आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन भी मिलेगा और कोशिश करें कि आप किसी भी तरह से उसके जाल में फंसने से बचें। और आपको जो बताया गया है इस तरह के चीज़ों को अगर आप अपना रहे हैं तो आप इससे बहुत अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक आप बच सकते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।